किसान भाइयों, हम अपने खेत में अलग अलग फसल लगाते हैं। अलग अलग फसलों का भिन्न विभिन्न तरीके से प्रबंधन करके अच्छी पैदावार लाने की कोशिश करते हैं। सही प्रबंधन के साथ अच्छी पैदावार हमें मिल जाती है, लेकिन फसलों का प्रबंधन करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है तो उस समय हमें मनचाही पैदावार प्राप्त नहीं होती। किसान भाइयों, टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, करेला, भिंडी आदि सब्जियों की खेती करते समय ज्यादातर एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वो समस्या है थ्रिप्स के कीट। अगर पौधों के पर थ्रिप्स का हमला हो जाता है तो पौधों की बढ़ोतरी वहाँ पर ही रुक जाती है। पौधों का आगे अच्छे से विकास नहीं हो पाता और पैदावार भी कम हो जाती है। तो इन सब्जियों की खेती करते समय सही समय पर थ्रिप्स का प्रबंधन नियंत्रण करना आवश्यक है ताकि फसल का अच्छे से विकास हो और पैदावार भी बढ़े। तो किसान भाइयों, आज हम थ्रिप्स के बारे में जानकारी देखेंगे। इसके साथ थ्रिप्स को आसानी से कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले किसान भाइयों, आप इस चैनल पर नए हो तो अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे प्रेस कीजिए। इससे हमारे हर नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्रिप्स के बारे में जानकारी और उसका नियंत्रण। किसान भाइयों, थ्रिप्स इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है थाइसोनोप्टेरा। थ्रिप्स की प्रजातियां लगभग 100 से 150 साल से अस्तित्व में है। थ्रिप्स की कुल मिलाकर 4000 से अधिक प्रजातियां हैं और ये प्रजातियां अमेरिका, यूरोप ऐसे विदेशों से भारत आई है, लेकिन कुछ ही प्रजातियों का प्रभाव हमारे क्षेत्र में अधिक है। किसान भाइयों, थ्रिप्स एक पंख वाला पतला कीड़ा है। इसके आकार की बात करें तो यह 2 से 3 मिलीमीटर आकार का होता है। थ्रिप्स प्रजाति के कीड़े बहुत ही छोटे होते हैं और ये झुल्लर पंछी जैसे दिखते हैं। थ्रिप्स के कीड़े फसलों पर ज्यादातर पत्तियों, पगडंडियों, फूलों और विभिन्न रंगों पर हमला करते हैं, क्योंकि उस जगह से रस को अवशोषित करना आसान हो जाता है। हवामान के बदलाव के साथ इन प्रजातियों की संख्या भी बढ़ जाती है। इन प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए पौधों का ठीक से निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि फसल लगाई और उस पर कौन सा भी स्प्रे कर दिया। फसलों पर उचित समय पर उचित निरीक्षण के साथ छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। यदि थ्रिप्स को सही समय पर नियंत्रित किया जाए तो पौधों की वृद्धि और उत्पादकता अच्छे से बढ़ती है। किसान भाइयों, जैसे ही थ्रिप्स का हमला हो जाता है तो पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती है और पत्तियां सफेद और पीली हो जाती है। पौधों में से हरापन कम हो जाता है। थ्रिप्स के कीट पत्तियों के अंदर के सेल्स को, मतलब कोशिकाओं को खाते हैं। इसके अलावा पत्तों में से रस चूसते हैं और पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर थ्रिप्स का हमला पौधों पर ज्यादा हो गया तो काफी हद तक पौधों को हानि पहुंचती है। इसीलिए समय पर थ्रिप्स का नियंत्रण करना जरूरी है। थ्रिप्स के ऊपर हम तभी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं जब फसल पर थ्रिप्स का थोड़ी मात्रा में हमला हो गया है। यदि प्रकोप अधिक हो जाता है तो कुछ भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि थ्रिप्स के कीट सेल्स को, कोशिकाओं को खाते हैं और पौधों को डैमेज करते हैं। इससे पौधे वायरस पर जाने के भी चांसेस होते हैं और पौधों पर जो वायरस होता है वो कीटों की वजह से अन्य पौधों पर भी जाता है। ठीक है, तो किसान भाइयों, थ्रिप्स को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है। उनमें से हम सबसे जरूरी दवाइयों पर नजर डालेंगे ताकि थ्रिप्स का आसानी से कंट्रोल किया जा सके। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए इमीडा क्लोरोफिल इस दवा का स्प्रे कर सकते हो। ये काफी असरकारक कीटनाशक है। इसके अलावा लैम्डा साइलोथ्रिन इस दवा का इस्तेमाल करें। यदि थ्रिप्स का फसल पर अधिक हमला हो गया है तो फिप्रोनिल इस दवा का स्प्रे करें। इसके अलावा थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस एक प्रभावी कीटनाशक है। तो दोस्तों, इन दवाइयों का इस्तेमाल करके थ्रिप्स के ऊपर आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए आप स्टिकी पेपर, इसके साथ कुछ ट्रैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। येलो स्टिकी पेपर, ब्लू स्टिकी पेपर, इसका इस्तेमाल करने से कीट इन पेपर पर चिपक जाते हैं और उन कीटों की बढ़ोतरी रुक जाती है। इसके अलावा कीटों के नियंत्रण के लिए अलग अलग ट्रैप्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं, उनका भी इस्तेमाल करके थ्रिप्स के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है, तो किसान भाइयों, थ्रिप्स के बारे में और थ्रिप्स के कंट्रोल के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट में जरूर बताइए। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और किसान भाइयों, ऐसी ही खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।